प्रशासन ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों पर किया अलर्ट जारी। डैम से पानी छोड़ने से नदियों का जलस्तर 3 से 4 मीटर बढ़ने के आसार। यमुना और बेतवा खतरे के निशान से ऊपर। हमीरपुर में यमुना और बेतवा में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। इस वक्त छोटी छोटी नदियां उफान पर हैं। वहीं हमीरपुर प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि अन्य प्रदेशों में हुई बारिश से डैम उफान पर है, जिसके चलते उनका पानी निकाला जा रहा है। इस पानी से नदियों का पानी 3 से 4 मीटर बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में नदियां खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। यमुना और बेतवा जो 11 महीने सूखी रहती हैं, लेकिन बरसात में उफान मारती हैं। प्रशासन ने आज जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी लक्ष्मी का डंग से बेतवा नदी में छोड़ा गया, तो वहीं धौलपुर से 10 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। दोनों नदियों में छोड़े गए 15 लाख क्यूसेक पानी की वजह से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पार कर सकता है। वहीं प्रशासन लगातार निचले स्तर के गांव पर नजर जमाए हुए है, तो वहीं लोग गांव छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पहुंचने के लिए मजबूर हैं। आप देख रहे हैं अपडेट मीडिया न्यूज 24/7 और मैं हूं राकेश निगम। इस समय हमीरपुर में यमुना और बेतवा खतरे के निशान पार करने की कगार में है। मामला यह है कि हमीरपुर में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जो डैम का पानी है, जो और क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में और कहीं अन्य प्रदेशों में जो बारिश हुई है, उससे डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया, जिसको बड़ी संख्या में छोड़ा गया है, जिससे हमीरपुर में यमुना और बेतवा खतरे के निशान को पार कर रही है। आप देखते रहें अपडेट मीडिया न्यूज 24/7। हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए राकेश निगम की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।